आज हम लेडी बर्ड में थंब प्रिंटिंग करेंगे, जो कि बहुत से कलर्स की हम गार्डन्स में देखते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे डॉट्स होते हैं। ये एक स्मॉल इंसेट है। ओके, नेक्स्ट हम आपकी बुक में रेनबो में कलर करेंगे, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। आपकी सनशाइन बुक में, ब्लू कलर की सनशाइन बुक में, पेज नंबर 73 में, इसमें लेडी बर्ड में थंब प्रिंटिंग करने वाले हैं। दिस इज आवर थंब, वी डू प्रिंटिंग विद आवर थंब। हम थंब को कलर में डिप करेंगे एंड उसकी प्रिंटिंग यहाँ करने वाले हैं। ओके, तो रेडी आप लोग? ओके, ये हमने वाटर कलर्स लिए हैं। ये ट्यूब में भी आते हैं, पोस्टर कलर्स एंड बॉटल में भी आते हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। हमने ये प्लेट में कुछ कलर्स लिए हैं, इसमें से हम रेड और वाइट को मिलाकर पिंक कलर बनाएंगे और उस कलर से हम थंब प्रिंटिंग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, ये देखिए, ये हमारा कलर मिक्सिंग हो गया है। अब हम इसमें ये थंब इसमें डिप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उस थंब को यहाँ पे प्रिंटिंग करेंगे। देखा आपने, और एक बार डिप करने के बाद आप अपने थंब को 3 times लगा सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। 1, 2, 3। ये फिर से मैंने कलर लिया, 1, 2, 3। ऐसे करके आप कलर डिप करके अपने थंब को प्रिंटिंग करेंगे। कैसा लग रहा है? कितनी स्वीट लेडी बर्ड है, हम उसमें थंब प्रिंटिंग कर रहे हैं। आप 2 कलर रेड एंड वाइट को मिक्स करके शेडिंग भी कर सकते हैं, आधा रेड आधा पिंक एंड वाइट मिक्स। ओके, आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं और इस तरह से थंब प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा थंब प्रिंटिंग। ओके, नाइस, वेरी ब्यूटीफुल लेडी बर्ड कंप्लीट हो गई है। हमने अपने थंब से थंब प्रिंटिंग किया है कलर लगा के। ओके, चलिए अब हम आपकी दूसरी बुक में चलते हैं। ये आपकी हेलो कलर बुक है, हेलो कलर बुक है। ये देखिए, हेलो कलर बुक में पेज नंबर 24 निकालेंगे आप। दिस इज रेनबो। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और ये जब बरसात होती है तब हमको ये स्काई में दिखाई देता है। तो इसमें 7 कलर्स किस सीक्वेंस में होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और आप अपनी हेलो कलर बुक में 24 पेज पर ये कलर्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर टॉप में होता है रेड कलर, तो ये हम रेड कलर कर रहे हैं। रेड कलर ऊपर के टॉप वाले लाइंस के बीच में करना है और उसको बाहर नहीं निकालना है। ऐसे रेड कलर करते जाएंगे आप क्रेयॉन कलर से। ये देखिए, ये हो गया हमारा रेड कलर। ओके, ये हमारा रेड कलर होता जा रहा है। रेनबो रेनबो अप इन द स्काई, रेनबो स्काई में आता है और रेनी सीजन में आता है। ओके, वो बहुत सारे कलर्स हमको दिखते हैं स्काई में।
ये देखिए, इसको आप रेड कलर को कंप्लीट करेंगे। सेकंड कलर इज ऑरेंज कलर, अब हम इसमें ऑरेंज कलर करेंगे। इस तरह से ऑरेंज कलर करते जाएंगे। ये देखिए, रेनबो का सेकंड कलर इज ऑरेंज कलर, ठीक है। लाइन के अंदर ही करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। ऑरेंज कलर। नेक्स्ट इज येलो कलर। येलो के बहुत सारे शेड्स होते हैं, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आपके कलर बॉक्स में आप वो कर सकते हैं। येलो कलर, दिस इज येलो कलर, ये रेनबो का थर्ड कलर है, येलो कलर। ग्रीन के भी कई शेड्स होते हैं, उसमें से आप जो आपको अच्छा लगे, बहुत डार्क ग्रीन मत करिए, इस तरह से ग्रीन कलर। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर, ओके। नेक्स्ट है स्काई ब्लू कलर, ये स्काई ब्लू कलर हो गया हमारा, स्काई ब्लू कलर। स्काई भी ब्लू कलर का होता है और स्काई ये वाले ब्लू कलर का ही होता है, स्काई ब्लू कलर। ये आपको सब कलर्स यहाँ तक कंप्लीट करने हैं, ओके। नेक्स्ट इज ब्लू इंडिगो कलर, ये ब्लू कलर करेंगे। ब्लू कलर जब बादल होते हैं बहुत सारे क्लाउड्स, तो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू मिक्स कलर के क्लाउड्स होते हैं, राइट। ये हो गया हमारा ब्लू कलर। नाउ वॉयलेट कलर, ठीक है, ये वॉयलेट कलर है। सबसे लास्ट वॉयलेट कलर होता है, ये हमारा वॉयलेट कलर हो गया। तो दिस इज रेनबो। इस तरह से आप अपनी बुक में रेनबो में कलर करेंगे, जो कि आपको फुल यहाँ तक कंप्लीट करना है, ओके चिल्ड्रन, ओके। अभी हम आपके साथ फिश बनाएंगे अपने थंब से। ये आपकी स्केचबुक में आज हम करने वाले हैं फिश। हम अपने थंब से फिश बनाने वाले हैं, थंब प्रिंटिंग से। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आप लिखेंगे फिश, F for fish, F-I-S-H, fish, ओके। अब हम यहाँ पे फिश बनाने वाले हैं। आप अपने थंब से वाटर कलर में से पहले हमने लिया है रेड कलर, ओके। अब ये रेड कलर से हम फिश बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने थंब लगाया है, ये देखिए। अभी हम रेड कलर से तीन चार जगह में फिश बना दी। अब हमने लिया है येलो कलर, अब हम ले रहे हैं येलो कलर। ये येलो कलर डिप किया हमने थंब को, और इससे हमने 1, 2, 3, 4, ये हमने येलो कलर की 4 फिश बनाई है। अब हम ले रहे हैं ग्रीन कलर, ओके। ये हमने ग्रीन कलर लिया है, अब इससे हम फिश बनाएंगे 1, 2, 3, 4, ओके। इस तरह से हमने हर कलर की 4-5 फिश बनाई है। अब हम नेक्स्ट कलर ले रहे हैं ब्राउन कलर, ये हमने लिया है ब्राउन कलर। ये देखिए मैम ब्राउन कलर में डिप कर रही है, ओके। ये
1, 2, 3, 4. ओके, अब हम लेंगे ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, और उसकी फिश बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4। ओके, इस तरह से हमने ये फिश बनाई है। अब आप बोलेंगे ये फिश तो दिखती नहीं है हमको, अब हम इसको फिश कैसे बनाने वाले हैं। आप देखिए, आप कोई भी अच्छे अच्छे कलर्स ले सकते हैं, 3-4 कलर्स, और उनसे जैसे ये हमने थोड़ा सूखने दीजिएगा, उसके बाद आप कलर करिए। हमने इसकी आईज बनाई, ये हमारी फिश है, हमने इसकी आईज बनाई, ये माउथ बनाया, और ये इसका पीछे का टेल बनाया, और यहाँ पे हमने इसके ये फिन्स बना दिए। कैसी लग रही है फिश? वाओ, बहुत सुंदर फिश बन गई। इसी तरह से सूखने के बाद आप इनको सुंदर सुंदर कलर्स करेंगे, ठीक है? और जो डार्क कलर्स हैं उनको आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, ठीक है? ये हमने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है? ये सीसी कर दिया इसका। अब ये डार्क कलर्स हैं जो, उनको ब्लैक कलर से करिएगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ पे हमने 2C कर दिया, और बैक में भी एक बड़ा सा सर्कल कर दिया। ये बन गई हमारी फिश। ये हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट आप कुछ भी कर सकते हैं ताकि हमारी फिश सुंदर लगे। अभी ये हमारा कलर थोड़ा गीला है, इसके लिए हमको ध्यान से करना है। ये देखिए, ये हमारी फिश बन गई। ओके, इस तरह से हम सभी में कलर करते जाएंगे और सुंदर सुंदर फिश बनाते जाएंगे। ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया, और ये फिश का माउथ बना दिया, ये इसकी आईज बना दी, और इसमें हमने ऐसे शेड दे दिया इसको, कलर को, और इसको ऐसे करके हम ऐसे छोटे 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 लाइन करके भी बना सकते हैं, और ये इसका माउथ बना सकते हैं। इस तरह से हम ये इस फिश को भी बनाएंगे। ये देखिए, हम इसको कैसे करेंगे, बड़ी सी इसकी बड़ी सी टेल बना देते हैं, हम, और ये इसका माउथ है, हम, ये एक फिश है, इसको भी हमने 1, 2, 3 बना दिया, और इसका माउथ बना दिया। इस तरह से हमने सभी फिश को कुछ कुछ अच्छा अच्छा डिज़ाइन कर दिया है। तो ये बन गई हमारी सुंदर सुंदर फिश। ये देखिए, हमने ये पिंक कलर ले लिया है, और इसको अंदर भी डिज़ाइन कर दिया और बाहर भी डिज़ाइन कर दिया। आप इसको आउटलाइन भी कर सकते हैं। ओके, ये इसका आईज हो गया, और ये हमारी फिश का टेल हो गया। ये फिश तो हमको आईज नहीं दिख रही है इसकी, और इसका माउथ ऐसे कर देते हैं। वाव, कितनी सुंदर फिश बन गई हमारी सभी। हाँ, कितनी सुंदर फिश हैं। हाँ, ये देखिए, ये आईज हो गई, और ये इसका माउथ हो गया, ये फिश हो गई, इसका ये माउथ हो गया, और इसको हाफ हाफ करके इसको थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल कर देते हैं। ये हमारी फिश हो गई। अब हम इसको ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसा, ये डिफरेंट फिश हो गई, और ये इसकी आईज, और ये माउथ हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर फिशेस बन गई। आप अपनी स्केचबुक में इसी तरह से बहुत सारी फिश बनाइएगा।
ये इस फिश को भी बना देते हैं और ये देखिए। अरे अभी हमने फिशेस के लिए पानी तो बनाया ही नहीं। ओके तो हम इसके लिए लाइट ब्लू कलर लेते हैं और उसको भी हम पानी बनाते हैं। ये हमारा पानी बनने वाला है, ये देखिए ये हम पानी बना रहे हैं ऐसे। ये हमारा पानी, फिश कहाँ रहती है? पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पानी में डालोगे तो जी जाएगी, पानी में डालोगे तो जी जाएगी। ओके चिल्ड्रन, मज़ा आया आपको फिश बना के? ओके वेरी गुड।